मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में नए राज्य के रचना बारे में पढ़ा। अब हम नक्शा देखेंगे। भारत राज्य में केंद्र प्रशासित प्रदेश का नक्शा देखते हैं। इसमें डैश डैश जो लिटी की हुई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बताई गई है और जो पॉइंट पॉइंट बताए हुए लंबी लाइन की गई है उसमें राज्य की सीमा रेखा बताई है और चौरस बॉक्स में देश की राजधानी बताई है और जो लाल कलर का गोल बिंदु है उसमें राज्य की राजधानी बताई गई है। इसमें चौरस जो डब्बा दिख रहा है वो देश की राजधानी है दिल्ली में और राज्य की राजधानी के पॉइंट सब लाल बिंदु में दिखाए गए। जैसे कि हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, लखांद, शिमला, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जयपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, गांधीनगर, सिलीवालासा, बम्बई, तेलंगाना, रायपुर, झारखंड, बिहार, कोलकाता, भुपेंद्रसर, मेघालय, दिसपुर, इंडो इंडस प्रदेश, इस्पलाम, काहिमा, यूनुमा, बेंगलोर, पौंडेचेरी, केरल, गोवा, बम्बई, ऐसे सभी जगह हमें ये बिंदु से दिखाया गया है कि राज्य की राजधानी कहाँ आई हुई है। हमने नक्शा देखा। अब हम आगे देखेंगे प्रदेशवाद। भारत विविधता में एकता वाला देश है जिसमें विविध भाषा बोलने वाले और विविध धर्म, विविध जातियाँ और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। देश में नीति विविधताएँ शायद ही किसी देश में देखने मिलती हैं। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से लोग रहते हो तब उनमें अपनेपन की भावना जागृत होती है। भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, ऐतिहासिक परंपराएं आदि एक दूसरे के साथ समन्वय रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम होता है। प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए अमुक नेता, अगुआ, कुछ उपदी तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने का कार्य करते हैं। इस तरह प्रदेशवाद की प्रवृत्तियों को जगवाने वाले और उसे उत्तेजित करने वाले तथा बहकाने वाले को बहकाने का कार्य करते हैं। इन लोगों को तत्व देश से राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना आवश्यक है। अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना जा सकता है, ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वगाही नहीं हो सकता है। साथ ही यदि हवा उग्र स्वरूप धारण कर रहे तो वह अनिष्टता को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र के हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र देश के हित का ध्यान रखना आवश्यक है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे प्रदेशवाद में हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें यह उसकी रक्षा का और उसके कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और किसी तरह से हमें से कोई गलती या ऊंच नीच ना हो जो उन्हें किसी के दुख मिले या किसी को हमारी वजह से नुकसान हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह प्रदेशवाद से हमें समझाया गया है। भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रकार का समन्वयकरण हुआ है कि परंतु साथ साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे और स्थायी निवास करने से वहाँ की भूमि के लिए एक प्रकार का लगाव और प्रेम भाव पैदा हुआ जिसे प्रदेशवाद की भावना भी कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का
का होना लंबी अवधि की प्रक्रिया का परिणाम था। समय बीतने पर प्रदेशवाद की भावना में संकुलित पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म, इन तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम भाषा देखेंगे। भाषावाद ने प्रादेशिकतावादी को प्रोत्साहन तो दिया। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत में सैदिक हिंदी भाषी से प्रदेशवाद की मांग तीव्र हुई। भारत में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों की पुनर्रचना के लिए बने आयोग को स्टेट री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद समय में देखा गया। अब हम धर्म और जाति के बारे में देखेंगे। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और कुछ राज्यों में किसी एक ही कौम के बहुसंख्यक लोग अपना धर्म पाल कर रहते हैं। उदाहरण स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुरम, मेघालय, अरुणाचल आदि रीति रिवाज, जीवन शैली, व्यवसाय में विविधता रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए उग्र आंदोलन भी चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय हैं। प्रदेश के कारण पंजाब और हरियाणा के विभाजन भी हुआ। इसी तरह बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की रचना भी हुई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र से अलग विभाजन राज्य बनाने की मांग हो रही है। इस तरह से एक प्रदेश में बहुमतता वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करें तो वह देश के हित में नहीं है। भारत के संविधान में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्यों के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। अब हम आगे प्रादेशिक असमानता के बारे में देखेंगे। विदेशी शासकों ने जहां आर्थिक लाभ न प्राप्त हो वहां ऐसे विकासात्मक कार्य नहीं किए, परिणाम स्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता के विकसित हुई। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना की। उसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग प्रदेशों का आर्थिक सहित अन्य क्षेत्रों में संतुलित विकास करना था। प्रदेशवाद के दबाव, राजनीतिक कारणों से विकास योजना अपने प्रदेश में ले जाने की खिंचातान, विकास स्रोत, मजदूरी और अनेक परिबलों में भूमिका निभाते रहे। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानता दिखाई देती है। इस तरह देश में विकसित, माध्यम विकसित और अविकसित राज्य देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों के अतिरिक्त प्रादेशिक विकास भी असमानता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र विकसित कक्षा में है, परंतु विदर्भ और मराठावाड़ जैसे क्षेत्र पिछड़े हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा तथा तेलंगाना तथा राज्य के कुछ क्षेत्र अल्प विकसित हैं। कई राज्य कृषि विकास में हैं तो कई औद्योगिक विकास में भी विशेष आगे हैं। इस तरह राज्यों के बीच असमानता के लिए अनेक कारण देखने मिलते हैं। उनमें से प्रदेशवाद का जन्म होता है। दो पड़ोसी राज्य भारत के हो तो सीमा जमीन के संबंध में विवाद चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों के सीमा के संबंध में भूमि विवाद चल रहे हैं। किसी प्रदेश को भूमि पर जल वितरण की, खनिज जल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार लाभ श्रेय को मिले, ऐसी संकुचित मनोवृत्ति कई जगहों पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रदेशवाद या प्रादेशिक संकुचित भावना के शत्रुत स्वार्थ या महत्वाकांक्षा के कारण राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाती है। देश स्वतंत्र होने के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा है। उसे स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना का विकास कर राष्ट्र की गरिमा,
स्थान ऊंचा बना रहे ऐसे उपाय करने चाहिए। थैंक यू बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।